चुनाव को महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? अगर ममता बनर्जी को अपने पद पर बरकरार रहना है तो इस उपचुनाव यानी भवानीपुर सीट से जीतना जरूरी हो जाता है। अगर भवानीपुर सीट वो जीतती नहीं है तो उन्हें अपने पद से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और नंदीग्राम सीट हारने के बाद कहीं ना कहीं भवानीपुर सीट ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं चुनौती बन चुकी है। ऐसे में इसको लेकर यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने तो बड़ा दावा किया है कि नंदीग्राम हारने के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट भी हारने वाली है। और जो उन्होंने यहाँ पर बात करी तो विधानसभा चुनाव को लेकर जो है नंदीग्राम को लेकर बड़ा ऐलान किया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं भवानीपुर को लेकर जो उन्होंने आंकड़ा दिया है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो जमीनी स्तर पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं इसमें अगर बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री काम से संतुष्ट कितने लोग नजर आ रहे हैं, 68% यहाँ पर लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी से वो संतुष्ट नजर आ रहा है, जबकि नहीं 18% पता नहीं ऐसे 14% लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन भवानीपुर सीट को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर आंकड़ों के हिसाब से ममता बनर्जी कितनी यहाँ पर दावेदार दिख रही हैं, इसको लेकर चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें 2016 से अब तक बंगाल चुनाव में भवानीपुर सीट टीएमसी के पक्ष में रही है, यानी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं 2016 और 2011 में यहाँ पर जीती है, लेकिन 2021 में यहां से चुनाव न लड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन भवानीपुर सीट को लेकर जनता का मन कहता है कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी एक बड़े अंतर से जीतने वाली हैं। 63% लोग ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि 26% लोग यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर महिला उम्मीदवार को उतारा है और कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हिंसा को लेकर जिस कार से यहाँ पर बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसको लेकर बीजेपी के सक्रिय नेता बन चुके हैं। ऐसे में क्या महिला उम्मीदवार महिला को टक्कर दे पाएगी, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा तो ममता बनर्जी के पक्ष में दिख रहा है। वही बीजेपी को यहाँ पर 26% लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर टीएमसी को टक्कर दे पाएगी, जबकि 11% अन्य को भी यहाँ पर लोग मान रहे हैं कि अन्य उम्मीदवार यहाँ पर जीत सकता है। लेकिन भवानीपुर सीट ममता बनर्जी जीतती नजर आ रही है जो आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन शमशेरगंज के आंकड़े क्या कहते हैं, शमशेरगंज की अगर बात करें तो 2016 में यहाँ पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2011 में यहाँ पर सीपीआईएम ने जीत हासिल की थी। यानी कहा जाए तो शमशेरगंज में बड़ा मुकाबला हो सकता है। और इसमें अगर बात करें तो शमशेरगंज के आंकड़े कहते हैं कि 47% टीएमसी जबकि 30% बीजेपी और 23% अन्य के खाते में सीट जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अगर कुछ कर सकती है तो वो शमशेरगंज सीट है जहां बीजेपी कहीं ना कहीं टीएमसी को टक्कर दे सकती है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से शमशेरगंज सीट भी टीएमसी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा जांगीपुर की लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, 2016 और 2011 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 2016 में यहाँ पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में जांगीपुर के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने की संभावना लगाई जा रही है और टीएमसी को यहाँ पर 48% जबकि बीजेपी को 36% और 16% अन्य को, यानी जांगीपुर सीट भी टीएमसी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर एक्सपर्ट ने लगाई है। यानी बंगाल उपचुनाव तीनों ही सीट जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जीतने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी बंगाल चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है जो आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, जिस प्रकार से चुनावी प्रचार शुरू हो चुके हैं, 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है जिसमें कुछ बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर चुनावी मैदान में यहाँ पर जो है 3 सीटों के लिए प्रचार में उतर चुके हैं। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर 3 सीटों पर किसकी होगी जीत ये तो 3 अक्टूबर को पता लगेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर तीनों ही सीटों पर यहाँ पर ममता बनर्जी टीएमसी मजबूत नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इन 30 सीटों पर कौन जीत सकता है, क्या बीजेपी या फिर टीएमसी, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं।